हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डेट इज द अकाउंट्स, और जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सस्पेंस अकाउंट, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज माई ऐप एडिसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है रेलिवेंट है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए, और काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है और स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सस्पेंस अकाउंट होता क्या चीज़। तो सस्पेंस अकाउंट हम क्या करते हैं कि जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस हमारा मैच नहीं करता, तो वो जो डिफरेंस होता है वो हम सस्पेंस अकाउंट के अंदर डालें। क्योंकि फाइनल अकाउंट से पहले क्या होता है कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच होना चाहिए। व्हेन ऑल द एफर्ट्स टू लिक्विडेट एन एरर फेल, डिफरेंस जो होता है ट्रायल बैलेंस का, जैसे मान लो हमारी डेबिट साइड कम आ रही है, तो वहां पे हम डेबिट साइड पे जो डिफरेंस है वो डाल देंगे, और अगर हमारी क्रेडिट साइड छोटी आ रही है तो वो डिफरेंस हम क्रेडिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट के अंदर डाल देंगे। तो सस्पेंस अकाउंट जो होता है एक इमेजिनरी अकाउंट होता है, टेम्पररी अकाउंट होता है। व्हेन ऑल द एफर्ट्स टू लोकेट एन एरर फेल, द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज पुट टू शॉर्टर साइड टू ए न्यूली ओपन्ड अकाउंट दैट इज नोन एज ए सस्पेंस अकाउंट। अगर हमारी डेबिट साइड छोटी है तो वो डिफरेंस हम डेबिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट लिख के कर देंगे, और अगर क्रेडिट साइड छोटी है तो वहां पे हम क्रेडिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट का जो डिफरेंस है उसमें डाल देंगे। और सस्पेंस अकाउंट हम किन सिचुएशन के अंदर खोलते हैं, जब हमारा ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल नहीं होता, तो जो शॉर्टर साइड होती है वहां पे हम सस्पेंस अकाउंट डाल देते हैं ताकि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए। और उसी तरह क्या होता है कि कई बार डाउटफुल आइटम्स होती हैं, अनसर्टन आइटम्स होती हैं, जिनके बारे में हमें हमारे पास सफिशियंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जैसे मान लो किसी पार्टी से हमने बैंक ड्राफ्ट रिसीव किया है बट वो पार्टी का नाम पता नहीं चल रहा, तो वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर दिया जाता है, और जब वो फैक्ट पता चल जाता है तो उसको कैंसिल आउट कर दिया जाता है। तो सस्पेंस अकाउंट जो है एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, और जिसको इस वजह से खोला जाता है कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए, और ये हमेशा शॉर्ट साइड पे डाला जाता है। शॉर्ट साइड का मतलब होता है जैसे ट्रायल बैलेंस हमें पता है उसके दो कॉलम होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट, क्योंकि ये दोनों मैच नहीं करते तो हम देखते हैं कि कौन सी साइड छोटी है। अगर डेबिट साइड छोटी है तो वहां पे हम सस्पेंस अकाउंट जो है डाल देंगे जो डिफरेंस है, अगर क्रेडिट साइड छोटी है तो वहां पे डाल देंगे। तो ये जब हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं ये उसी सिचुएशन के अंदर खोला जाता है जब हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, और ट्रायल बैलेंस को हम जो उसकी एग्रीमेंट है कर सकते हैं सस्पेंस अकाउंट खोल के। और अगर हमारे सस्पेंस का डेबिट बैलेंस आता है तो वो बैलेंस शीट की एसेट साइड पे अपेयर करेगा, अगर उसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको लायबिलिटी साइड पे हमने दिखाना होता है। सस्पेंस अकाउंट जो होता है टेम्प्रेरी अकाउंट होता है, जब तक हमारे एरर नहीं मिलते तब तक ये रहता है, और उसी तरह क्या होता है कि इसको हम बैलेंस शीट के अंदर तब तक दिखाते रहते हैं जब तक हमारे एरर जो है रेक्टिफाई नहीं हो जाती। तो अब हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। द ट्रायल बैलेंस ऑफ वरिंदर जैन ऑन 31st December 2021 शोड ए डिफरेंस ऑफ 640 एक्सेस डेबिट। देखो यहाँ पे ये लिखा है कि जो डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस के अंदर 640 का है, तो डेबिट साइड बड़ी है तो ये डिफरेंस जो है क्रेडिट साइड पे डाला हुआ है। तो इट वॉज पुट टू सस्पेंस अकाउंट, तो बुक्स क्लोज कर दी गई। और जब जनवरी, देखो यहाँ पे हम कैलेंडर ईयर फॉलो करें हैं, तो जनवरी 2022 के अंदर देखा कि ये एरर थे जो डिस्कवर हुए। अब हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है और सस्पेंस अकाउंट खोलना है, तो यहाँ पे हमें ये इन्होंने बताया है जो एरर इन्होंने फाइंड आउट किए हैं। ₹740 रिसीव फ्रॉम विकास के पास पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट, ₹200 बीइंग द सेल रिटर्न वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ सेल अकाउंट, डिस्काउंट ₹500 रिसीव्ड एंटर्ड इन द कैश बुक वाज नॉट पोस्टेड टू द लेजर, इज 1040 पेड फॉर द रिपेयर टू द मोटर कार
was posted to the motor car account as 1000. A sale of ₹570 to Krishna was entered in the sale book as 750. While Kerry forwarded the total of one page in her own account, the amount of ₹450 was written on the credit side instead on debit side. The purchase of furniture to X ₹10,000 was entered in the purchase book. So, इसको हम one by one करके understand करेंगे. तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला जो है कि हमने 740 विकास दीप से लिया. इसकी एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट टू विकास दीप. जब हमने लेजर बनाया तो हमने कैश के अंदर तो डाल दिया, लेकिन जब हमने विकास दीप के अकाउंट के अंदर डालना था तो ये विकास दीप का अकाउंट है. तो यहाँ पे देखो क्या है कि हमने गलती से उसके डेबिट साइड पे डाल दिया. तब कोई अमाउंट जो होता है डेबिट की बजाय क्रेडिट पे डल जाए या क्रेडिट की बजाय डेबिट पे डल जाए, तो उसको जब हम रेक्टिफाई करते हैं डबल अमाउंट से करते हैं. तो देखो यहाँ पे डेबिट साइड पे हमने 740 डाल दिया, तो अब हम क्रेडिट साइड पे बाय सस्पेंस अकाउंट 1480 करके डालेंगे. वो इसलिए डबल अमाउंट से करके डालेंगे, देखो एक तो जब क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो 740 ही रहेगा, एक 740 तो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और बाकी इसलिए इसको डबल अमाउंट से करके, क्योंकि अगर हमने इसको सस्पेंस अकाउंट को 740 से किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 740 का इम्पैक्ट नहीं आएगा. इस वजह से हम इसको डबल अमाउंट से करते हैं. जब डेबिट की बजाय क्रेडिट हो जाए या क्रेडिट की बजाय डेबिट हो जाए तो जो रेक्टिफिकेशन एंट्री होती है वो हमेशा डबल अमाउंट से होती है. इसी तरह हम इसकी जो जर्नल एंट्री है वो इस तरह से डालेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू विकास दीप, क्योंकि हमने विकास दीप को क्रेडिट नहीं किया था, उसको हमने गलती से डेबिट साइड पे पोस्ट कर दिया था. तो यहाँ पे अमाउंट जो है डबल हो जाएगा 1480. और उसी तरह यहाँ पे हम नरेशन में लिख देंगे बीइंग ₹740 रिसीव्ड फ्रॉम विकास दीप रॉन्गली डेबिटेड टू हिज अकाउंट नाउ द एरर इज रेक्टिफाइड. इस तरह से हमने पहली एंट्री समझ ली. अब हम समझते हैं दूसरी एंट्री. ₹200 बीइंग द सेल रिटर्न वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ सेल अकाउंट. देखो यहाँ पे भी क्या है कि जब हमने अकाउंट बनाया, जैसे यहाँ पे हमने लेके जाना था सेल्स रिटर्न के अकाउंट में पोस्टिंग करनी थी, बट हमने उसको सेल अकाउंट के अंदर डाल दिया. तो सिंपल बात है कि सेल हमारी जो है क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए हम डेबिट कर देंगे. सेल्स रिटर्न जो है उसको हम डेबिट कर देंगे क्योंकि वो पोस्ट ही नहीं हुआ, और जो है सस्पेंस क्योंकि यहाँ पे सेल्स रिटर्न को हमने डेबिट कर दिया, सेल को हमने डेबिट कर दिया, क्रेडिट हम करेंगे सस्पेंस अकाउंट. तो इस तरह से हमने इसकी जो है रेक्टिफाइंग एंट्री डाल देनी है. तो ₹200 बीइंग द सेल रिटर्न, देखो सेल रिटर्न के अंदर डालना था लेकिन हमने इसको सेल अकाउंट के अंदर डाल दिया, तो सेल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 200 से. सेल्स रिटर्न नहीं डाला तो हम डेबिट करेंगे 200 से, तो टोटल हो गया 400 टू सस्पेंस अकाउंट बीइंग द रेक्टिफिकेशन ऑफ द सेल रिटर्न रॉन्गली पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ सेल अकाउंट. तो इस तरह से हम इसको रेक्टिफाई करेंगे. उसके बाद हम मूव करते हैं डिस्काउंट ₹500 रिसीव्ड एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट पोस्टेड इन द लेजर. देखो यहाँ पे जो डिस्काउंट था उसको हमने लेजर के अंदर पोस्ट नहीं किया, तो अब क्योंकि ये वन साइडेड एरर है तो इसकी एंट्री इस तरह से हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट. तो इस तरह से हम ये इसको रेक्टिफाई कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट. क्योंकि सस्पेंस अकाउंट हम तभी खोलते हैं जब एक हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट 500, क्योंकि डिस्काउंट क्रेडिट नहीं हुआ था, क्योंकि जो डिस्काउंट रिसीव होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं. कैश बुक के अंदर वो सही एंट्री डली हुई है लेकिन जो है उसका डिस्काउंट का जो लेजर है वहाँ पे नहीं है. तो बीइंग द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड पोस्टेड टू द डिस्काउंट अकाउंट. इसी तरह ही हम देखते हैं ₹1040 पेड फॉर द रिपेयर टू द मोटर कार वॉज पोस्टेड टू द मोटर कार अकाउंट. देखो यहाँ पे हमने गड़बड़ क्या की है, हमने एंट्री करनी थी रिपेयर अकाउंट, ठीक है,
लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया कि जब हमने रिपेयर अकाउंट के अंदर लेजर के अंदर पोस्टिंग करनी थी, तो बाय मिस्टेक हमने मोटर कार के अकाउंट के अंदर पोस्टिंग कर दी 1000। इसको हम इस तरह से रेक्टिफाई करेंगे, रिपेयर जो डेबिट नहीं हुआ उसको हम डेबिट कर देंगे 1040 से। मोटर कार डेबिट हो गया बट नहीं होना चाहिए था, उसको कैंसिल आउट करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे 1000। तो जो 40 रुपीज बचता है उसको हम सस्पेंस अकाउंट के अंदर डाल देंगे। तो बीइंग द रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर ऑफ रिपेयर रॉन्गली डेबिटेड टू द मोटर कार अकाउंट एज 1000। उसी तरह से हम देखते हैं कि सेल ऑफ ₹570 टू कृष्णा वाज एंटर्ड इन द सेल बुक 750। देखो इसके अंदर एरर क्या है, हमारी एंट्री थी कृष्णा टू सेल अकाउंट 570, बट हमने क्या कर दिया, कृष्णा टू सेल 750 कर दिया, ज्यादा डाल दिया। तो ये 180 का डिफरेंस है। तो ये 180 से क्या होगा कि सेल को हम डेबिट कर देंगे और कृष्णा को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। यहाँ पे देखो सेल अकाउंट डेबिट किया हमने 180 से और कृष्णा को हमने क्रेडिट किया 180 से। तो बीइंग द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ द सेल ऑफ ₹570 ऑफ कृष्णा वाज रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल बुक एज 750। फिर उसी तरह वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल ऑफ वन पेज इन अरुण अकाउंट 450 वाज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड इंस्टेड ऑफ डेबिट साइड। देखो यहाँ पे क्या था, हमने अरुण के अकाउंट में डेबिट साइड पे पोस्टिंग करनी थी बट बाय मिस्टेक हमने उसको क्रेडिट साइड पे डाल दिया। अगर कोई चीज हम गलत अकाउंट में डाल देते हैं डेबिट के बजाय क्रेडिट और क्रेडिट के बजाय डेबिट से, तो जब हम उसको रेक्टिफाई करते हैं तो डबल अमाउंट से। तो यहाँ पे हमने 2 सस्पेंस अकाउंट 900, इसकी हमने इस तरह से हम लिखेंगे अरुण अकाउंट 2 सस्पेंस अकाउंट 900। बीइंग द रेक्टिफिकेशन ऑफ अरुण अकाउंट इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग द अरुण अकाउंट वाज क्रेडिटेड। उसी तरह परचेज ऑफ फर्नीचर टू एक्स वाज एंटर्ड इन द परचेज बुक। हमने बाय मिस्टेक, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, हमने परचेज टू एक्स कर दिया जबकि होना चाहिए था फर्नीचर टू एक्स। अब हम इसके अंदर हमें सस्पेंस अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एरर जो है ट्रायल बैलेंसेस के बावजूद भी मैच कर जाएगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर जिसको हमने डेबिट करना था डेबिट कर दीजिए, और परचेज जिसको हमने डेबिट नहीं करना था उसको कैंसिल आउट करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज बीइंग द रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर ऑफ परचेज ऑफ फर्नीचर रॉन्गली डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट। तो अब हम सस्पेंस अकाउंट खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा पहला था, तो यहाँ पे देखो सस्पेंस अकाउंट टू विकास दीप, उस तरह से हमने 1480 जो है यहाँ पे डाल दिया है। और ये जो हमारा डिफरेंस था, क्योंकि डेबिट साइड हमारी बड़ी थी और क्रेडिट साइड हमारी छोटी थी, तो ये 640 जो है हमने बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है क्रेडिट साइड पे लिखा है 640। तो यहाँ पे हमारा पहला जो था सस्पेंस टू विकास दीप था 1480। फिर हमने डिस्काउंट जो था पोस्ट नहीं किया था, सस्पेंस अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। इसी तरह सेल्स अकाउंट बाय सेल्स अकाउंट बाय सेल्स रिटर्न बाय रिपेयर अकाउंट बाय अरन अकाउंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है ये 1980 है टोटल हमारा, तो 1980 हो जाता है।